दोस्तों, अगर आपने अपने घर के लिए एक कलर प्रिंटर बाय कर लिया है और आप उसमें फोटो भी प्रिंट करना चाहते हैं, पर आपके पास पीसी यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि फोटोज कैसे बनाते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी नहीं है आपको, फोटोशॉप के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप अपने उस प्रिंटर से अपने फोन की मदद से, जी हाँ, जो आपके पास स्मार्टफोन है उसी स्मार्टफोन की मदद से अपने घर पर अपने फैमिली की और अपनी फोटोज प्रिंट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह के पीसी की जरूरत नहीं है। मेरे पास इन दिनों कुछ कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिसमें कि मुझसे पूछा जा रहा है कि कैसे वो अपने प्रिंटर से 4x6 या पासपोर्ट या पोस्ट कार्ड साइज फोटोज प्रिंट कर सकते हैं बिना कंप्यूटर की मदद से। और आपको पता है कि अगर मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिनका वीडियो बना करके मैं समझा सकता हूं या जरूरी होता है तो मैं वीडियो जरूर बनाता हूं। तो आज का ये वीडियो एक ऑन डिमांड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर के प्रिंटर से बिना किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की जानकारी के अपने फोन से ही 4x6 या इस तरह की और भी फोटोज के अलग अलग साइज प्रिंट कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, वीडियो पूरा देखिएगा, आप ये खुद से कर पाएंगे। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, आज मैं जो भी प्रोसेस आपको बताने वाला हूं उसमें मैं जिस ऐप का यूज करने वाला हूं, आज से पहले मैंने काफी सारे वीडियोस इसके बनाए हैं, पर स्पेशली आज इस ऐप में मैं आपको फोटो और स्पेशली 4x6 या इस तरह की फोटोज कैसे आप डायरेक्ट बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से प्रिंट कर पाएंगे वो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए अपने फोन की स्क्रीन पर चलते हैं और यहां साइड में आपको स्क्रीन दिखती रहेगी ताकि जो भी मैं बता रहा हूं उसको आप अच्छे से देख पाए और समझ पाए और खुद से कर पाए। तो अगर हम बात करते हैं कि हम 4x6 यानी कि 4x6 की फोटो निकालना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने फोन में वो फोटो ओपन करनी होगी जिसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो अब ये फोटो मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं और इस फोटो को आप 4x6 में कैसे प्रिंट करेंगे, अब ये प्रोसेस जरा ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐप स्टोर में जाना है और यहां जाकर के आपको नोको प्रिंट ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे फोन में ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आपका ऐप है। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका प्रिंटर जरूरी नहीं है कि वाईफाई हो, आपका नॉर्मल यूएसबी वाला प्रिंटर भी आप यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसमें यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं, बस आपको ऐसे एक ओटीजी अडॉप्टर की जरूरत होगी। आपका फोन अगर टाइप सी सपोर्ट करता है तो टाइप सी ले लीजिए और अगर माइक्रो यूएसबी सपोर्ट करता है तो ऐसा एक माइक्रो यूएसबी अडॉप्टर ले लीजिए और इस यूएसबी केबल में लगा दीजिए। अब आपको करना क्या है कि ये यूएसबी केबल अपने फोन में इस तरह से कनेक्ट कर देनी है। जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे आपसे पूछेगा कि ये जो प्रिंटर शो कर रहा है क्या यही आपका प्रिंटर है, आप उसको ओके कर दीजिए और इसके बाद आपको कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिलेगा। यानी कि अब आपका जो ये नोको प्रिंट ऐप है और आपका प्रिंटर है ये एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपको जाना है अपनी फोटो में और उसको ओपन करना है। आपको सिंपली इस सेंड या शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आप ढूंढेंगे तो आपको ये ब्लू कलर का आइकन मिल जाएगा जो आप यहां पर देख रहे हैं, इस आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। ये नोको प्रिंट ऐप का आइकन है। इसके बाद आपकी फोटो आपके सामने आ जाएगी। वीडियो में बहुत डिटेल से बताने के बाद भी आप में से बहुत सारे लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताए, तो वीडियो को मैं बार बार बोलता हूं ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो अब हम 4x6 की फोटो प्रिंट करने वाले हैं। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहां ऊपर सेटिंग में जाना होगा। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है नोको प्रिंट ऐप का तो ये सेटिंग नीचे आएगी, लेकिन अभी अपडेट के बाद ये सेटिंग ऊपर आने लगी है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आपको कहीं कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस आपको सीधे नीचे से सेकेंड वाले ऑप्शन पर आना है जहां लिखा हुआ है साइज एंड लेआउट ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आना है इमेज साइज में और यहां आप देख रहे हैं बहुत अलग अलग साइजेस हैं। तो नॉर्मली हमारा जो प्रिंटर होता है वो A4 साइज का होता है, तो इससे बड़ी तो फोटो हम प्रिंट करेंगे नहीं, तो हम इससे कम की फोटोज के बारे में बात कर सकते हैं और वो यहां से प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हम सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करें तो हमारा जो 4x6 का साइज है वो बनता है 10x15 सेंटीमीटर का, ये वाला, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो अब आप देखिए फोटो आपकी A4 पेपर में बीच में दिख रही है 4x6 साइज की। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि A4 पेपर में दिख रही है, क्योंकि हमने यहां नीचे सबसे नीचे ऑप्शन में A4 लिया हुआ है। तो यहां पर एक चीज समझने की है कि अगर आप पूरे A4 पेपर पर फोटो को 4x6 साइज में प्रिंट करना चाहते हैं और उसको साइड में चाहते हैं, सेंटर में चाहते हैं या बीच में चाहते हैं, तो आप यहां पर A4 रहने दीजिए। और लेआउट के लिए आपको क्या करना है,
आपको इसी सेटिंग में आना है और यहां पर आना है साइज एंड लेआउट में। यहां से आपको पता चल जाएगा कि फोटो की पोजीशन आप क्या देना चाह रहे हैं। फिलहाल टॉप मिडिल सेलेक्ट है तो आप फोटो बीच में देख पा रहे हैं। अगर आप टॉप लेफ्ट में चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और फोटो आपकी लेफ्ट में आ जाएगी, जिसे आप बाद में कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का 4x6 पेपर ऑलरेडी आपके पास है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप काट सकते हैं तो 6 में हो जाएगा कन्वर्ट। फिलहाल इसकी चौड़ाई 4 इंचेस है, तो इसमें आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली इस सेटिंग में जाना है। यहां जाने के बाद आपको पेपर एंड प्रिंटिंग ऑप्शन लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, पेपर साइज पे जाना है और यहां पर आपको अलग अलग साइज देखने को मिल रहे हैं। हम 4x6 फोटो 4x6 के पेपर पर ही प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम फोटो 4x6 को सेलेक्ट कर लेंगे। आप 5x7 प्रिंट करना चाहें तो नीचे वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए और इसको ओके कर देंगे। अब देखिए एक 4x6 का पेपर आपके सामने आ चुका है और फोटो भी 4x6 की है। अगर आप मार्जिन देना चाहें तो भी आप यहां से सेट कर सकते हैं, यहां ऊपर ऑप्शन में आपको मार्जिन का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल मैंने कोई भी मार्जिन नहीं दिया हुआ है। थोड़ा सा पेपर अगर हमारा बड़ा है तो ऑलरेडी उसमें व्हाइट कलर का पेपर छूट जाएगा जो मार्जिन का काम करेगा। बस अब आपको क्या करना है, प्रिंट करने से पहले फोटो पेपर को सेलेक्ट करना जरूरी है, तो आपको सेटिंग में आना है और यहां पर आइए और यहां आउटपुट मोड पे आपको फोटो पेपर सेलेक्ट कर लेना है। इसको आप ओके कर दीजिए। अब आपको अपने पेपर को लेना है, प्रिंटर पर इस तरह से रख देना है और जो कैसेट्स हैं प्रिंटर की उन्हें ऐसे करके सेट कर देना है ताकि फोटो पेपर जो आपका A4 4x6 का है वो इधर उधर ना जाए। A4 होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये कैसेट आपको सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। बस अब आपको प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अब देखिए आपके सामने आपके फोन की मदद से बिना किसी वाईफाई प्रिंटर से, नॉर्मल प्रिंटर से A4 फोटो प्रिंट होकर के आ जाएगी। जब तक फोटो प्रिंट हो रही है, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको फोन से और इस नॉर्मल प्रिंटर से पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करना बताया है। उसी वीडियो के बाद ये डिमांड आ रही थी कि आप 4x6 की या 5x7 की फोटो कैसे प्रिंट करेंगे, ये वीडियो बनाइए। तो आज ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ये वीडियो औरों के भी काम आए इसलिए शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूं वीडियो बना के, आप वीडियो शेयर करके दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक 4x6 की फोटो बनके रेडी है, बस आपको इसे कट कर लेना है। और ये देखिए आपने अपने फोन इस नॉर्मल प्रिंटर की मदद से एक 4x6 की फोटो प्रिंट कर ली है। आप इस तरह की जितनी मर्जी उतनी फोटोज प्रिंट करिए, आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, सिंपल फोन से कर सकते हैं और अपने एल्बम्स और अपने फोटो फ्रेम्स को डेकोरेट करिए। ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा क्योंकि आपके लिए बनाया है, तो मैं फिर से बोलता हूं लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रिंटिंग करते रहिए।